हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं एक और यात्रा को, और आज एकदम मस्त लाइट वाइट लगा के जो है शूट कर रहा हूँ। ट्राई करना चाहता था कुछ नया, ठीक है। तो आज की हमारी यात्रा जो है बनारस से होने वाली है, बनारस नई दिल्ली इंटरसिटी कह लो उसको आप एक तरीके से। इस ट्रेन में आज से पहले एक बार और यात्रा कर चुके हैं, आज कोशिश करेंगे यात्रा आज का करने का जो ओवर पूरा का पूरा जिस्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि हमको कुछ अच्छे अच्छे ओवरटेक्स या पैरेलल एक्शन वगैरह देखने को मिल जाए। अगर वो सब देखने को मिला तो ही ये व्लॉग यूट्यूब पे आ रहा है, और अगर आप इस व्लॉग को देख रहे हो इट मीन्स आगे आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। हम लोग मंडवाड़ी स्टेशन के अंदर आ गए हैं, एंड थोड़ा स्टेशन टूर करने की कोशिश करेंगे, स्टेशन देखेंगे स्टेशन के ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि इस ट्रेन का व्लॉग आप लोग अच्छे से देख चुके हैं ऑलरेडी एक दो बारी, तो उसके ऊपर थोड़ा कम फोकस करके मैं आपको स्टेशन घुमाता हूँ। भोजनालय वगैरह ढूंढ रहे हैं अभी हम स्टेशन पर। ये आरती एंटरप्राइज करके है, देखते हैं यहाँ कुछ मिल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों ये जो थाली है 100 रुपये की थाली है, ये देखते हैं टेस्ट कैसा है। ये रेस्टोरेंट जो आपको मैंने अभी दिखाया, तो इसको खाते हैं पहले और फिर आपको बताते हैं आगे कि कैसा है कैसा नहीं है। पहले खाना खा लो फिर कॉल कर लेना। तो दोस्तों स्टेशन पे खाना वगैरह खाया, काफ़ी टेस्टी था जो थाली वगैरह खाई थी। एंड अभी हमारे पीछे जो है शिवगंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई है, ये हमसे पहले निकलती है, इसके बाद हमारा डिपार्चर है 11 बजे वाली से। सो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन जो है अराइव हो चुकी है पीछे वाराणसी स्टेशन पे। अभी अंदर चलते हैं, मेरे पीछे यहाँ फर्स्ट एसी लगा है बट हम आज जो है थर्ड एसी में ट्रैवल करने वाले हैं इस ट्रेन के। तो दोस्तों अभी मात्र 2 मिनट बचे हैं ट्रेन का डिपार्चर होने में, 2 मिनट में यहाँ से निकलते हैं, और फिर रात को अगर कहीं आँख वाँख खुली, बीच में थोड़ा नींद वींद खुली, तो आपको जो है हम प्रयागराज भी दिखाने की कोशिश करेंगे, बट उसकी अभी कोई गारंटी नहीं ले सकता मैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेन ने जो है सरकना स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल, देखो टाइम की कितनी पाबंद है। 11:10 हुए हैं अभी, और 11:10 पे ही जो है हमारा यहाँ से डिपार्चर हो गया है। स्पीड पकड़ ली इसने यहीं से ही। तो दोस्तों ये आपका बनारस स्टेशन, और यहाँ पे भी कोई ट्रेन खड़ी है, रुक गई हमारी गाड़ी। तो जस्ट बनारस से निकलते ही पहला चेन पुल भी हो गया अपना बढ़िया सा, राम जाने ट्रिप कैसा बीतेगा, बट जैसा ही बीतेगा आई होप बढ़िया बीतेगा। तो दोस्तों बनारस को अलविदा करते हैं और अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो आपने स्टेशन देखा इसका नाम था राजा तालाब। कोशिश करेंगे एक आध स्टेशन और इस टाइप से अगर हो पाया तो, अदरवाइज जस्ट इसको यहीं रोक करके अपन अंदर जाके बैठते हैं और थोड़ा नींद लेते हैं, एंड उसके बाद आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ घंटे की नींद लेने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ पे जो है 1.5 घंटा लेट हो जाती है, और मेरी आँख खुलती है प्रयागराज से पहले जब हम जो है गंगा जी को जो है क्रॉस कर रहे होते हैं इस पुल के ऊपर। और ये हम पहुंच गए प्रयागराज।
प्लेटफॉर्म शायद उस तरफ आएगा। तो प्रयागराज से पहले कोई छोटा सा स्टेशन पड़ता है, अभी हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं। एक्चुअली मैं प्रयागराज की ये साइड आज बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ, क्योंकि आपसे पहले जब कभी भी इस ट्रेन वगैरह को कवर किया है तो इस रास्ते पर ऑलमोस्ट सो ही गए हैं। तो जैसे मैंने आपको भी कुछ देर पहले दिखाया, प्रयागराज रामबाग नाम के एक स्टेशन पे हमारी ट्रेन अभी जो है खड़ी हुई है। तो नीचे उतरना ठीक इसलिए नहीं होगा बिकॉज नीचे काफ़ी ज़्यादा गहरा है, मतलब चार सीढ़ी जो होती है पूरा का पूरा नीचे गहरा है, और प्लस मैंने सिग्नल देखा था तो हमारा सिग्नल ऑलरेडी हुआ है। तो काम करते हैं, उस तरफ चलते हैं ट्रैक वाली साइड, वहाँ से दिखाते हैं। दोस्तों सारी रौनक तो इस तरफ है, 1:46 हो रहा है, आई थिंक हम बिफोर आ गए हैं थोड़ा सा, और हमको जो है यहाँ पे रोक दिया गया है। झांसी का एल्को था वो, और ट्रेन कौन सी है, प्रयागराज आनंद विहार हम सफर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? रात के 2 बजे तुमसे ये बात बोलने का जो मज़ा आ रहा है ना, वो मैं ही जानता हूँ। रात के 2 बज चुके हैं, प्रयागराज जंक्शन हम लोग पहुँच चुके हैं, और ट्रेन यहाँ पे लगभग आधा घंटा लेट हो चुकी है। ये देखिए, ये खड़ी है मेरे सामने ट्रेन, अगर मैं इस तरह से दिखाना चाहूँ, और ये रहा मेरा कोच, और हम आके आराम से यहाँ बेंच पर बैठे हुए हैं। तो यार रास्ते में ज्ञानपुर रोड जो उसका स्टेशन आता है, पहले हमने सोचा उसको लेंगे, बट उससे पहले माधो सिंह ऐसे करके एक स्टेशन पड़ता है जहाँ पे इसको ना करीबन आधे घंटे के लिए खड़ा कर दिया, रीज़न अननोन। तो हम लोग वहीं थोड़ा लेट गए, कोजी हो गए तो सो गए, और फिर जस्ट मेरी आँख खुली अभी प्रयागराज रामबाग जो स्टेशन आता है उससे जस्ट पहले, तो मैं कहा यार चलो प्रयागराज वगैरह तो लेते हैं, बाकी तो पहले कई बार जो यात्रा करी है उसमें सो सो के निकाला है, तो बस उठ गए थोड़ा सा इसको कैप्चर करने के लिए। अब इसका डिपार्चर लेते हैं, फिर सो जाएंगे, और फिर कोशिश करूँगा कानपुर लेने की, हो पाया तो, अदरवाइज सोना तो है ही यार। अब बाकी अंदर चलते हैं। अब काफ़ी ठीक ठाक स्पीड से जो है डिपार्चर ले लिया प्लेटफॉर्म नंबर 6 से हमने। अरे वाह, इधर टर्न भी है, साफ सफाई चल रही है इस प्लेटफॉर्म की, ऐसा लगता है वंदे भारत के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है स्पेशल। और देखो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है, वही ये। तो दोस्तों फिलहाल अब अंदर चलते हैं सोने, और आगे देखते हैं कानपुर वगैरह पे कार्रवाई क्या रहती है, क्या मिल पाता है। और एक कोई अराइवल था देखा मुझे, तो मैं जस्ट उसको लूँगा फिर मैं अंदर चलता हूँ। और अगर ये मालगाड़ी निकली तो बस द मोमेंट आई रिकॉग्नाइज मालगाड़ी मैं बंद कर दूंगा वीडियो। ये एल्को खड़ा हुआ है यहाँ पे 2-4 LHB डब्बे लेकर के, और चालू है झांसी का। NCR झांसी, और ये एक ट्रेन खड़ी है, देखने में तो P7 सा लग रहा है भाई, अब है P7 यानी ये नहीं मालूम। और ये अपना वही प्रयागराज में एंट्री करने के लिए, क्योंकि इसकी लाइन हमने ऑक्यूपाई कर रखी है। और भाई ये मालगाड़ी है G9 है, ठीक है। अब जैसा तुम्हारे भाई ने तुमसे कहा था कि द मोमेंट मुझे पता लगेगा वो मालगाड़ी है मैं छोड़ करके बंद कर दूंगा, मैंने बंद कर दी, अब चल रहे हैं अंदर निन्नी कर, ठीक है बाय। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, और एक दिन नाम का एक स्टेशन आने वाला है इटावा से पहले जो भी पड़ता है, और हमारे पीछे हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी, और कानपुर शताब्दी, सब
लाइन लगा के आ रहे हैं, देखते हैं कहाँ ओवरटेक मिलते हैं, कहाँ हमें लूप करते हैं। तो देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि हम लोग अब शायद लूप होने वाले हैं एक दिल नाम का जो स्टेशन है, बताया था मैंने आपको, क्योंकि हावड़ा राजधानी से ना हमारी दूरी घटती जा रही है और प्लस हम लोग तो एक घंटा लेट चल रहे हैं, बट जो राजधानी एक्सप्रेस वगैरह है वो 24 मिनट ही लेट है। तो रेलवे कोशिश करेगा जो गाड़ी कम लेट है उसको फटाफट से आगे रखने की, और जो ज़्यादा लेट है उसको और लेट कर देंगे। एक दिल है एक जान है। तो दोस्तों फाइनली हमको जो है लूप पे लगा दिया है एक दिल नाम के स्टेशन पे, और अभी जो हमारी मेन लाइन है उसका स्टार्टर भी ग्रीन नहीं हुआ है, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं उसके ग्रीन होने का। पीछे से राजधानी एक्सप्रेस का झुंड आ रहा है, उनके साथ बढ़िया बढ़िया सी क्रॉसिंग लेंगे। और ये स्टेशन इतना छोटा है, यहाँ पर लिया है, अब इन्होंने सोचा इटावा पे करवाएंगे क्योंकि अगला स्टेशन इटावा आ रहा है अब इसके बाद ही। ये भगवान, इटावा पे मत करवाना यार, इटावा बड़ा बेकार वो है ओवरटेक लेने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फिरोजाबाद पे जो है लूप कर दिया गया है, और जस्ट इंतज़ार करते हैं हावड़ा राजधानी सियालदह राजधानी के आने का, क्योंकि वो यहाँ पे हमें ओवरटेक मारते हुए निकलेंगी बड़ी तेज की रफ्तार में। ये आ गया तूफान हमें ओवरटेक करने के लिए। इसमें दूध कम है, पत्ती ज़्यादा है, जो गर्माहट फील हो रही है, जिस जगह से पानी बहुत ज़्यादा है। हाँ आ जाओ भाई, क्या करते हैं ऐसी होता है यहाँ पे, हावड़ा को भी निकाल दिए होते पीछे तो है जस्ट। कोई बड़ी बात नहीं, हाँ चला दी भाई। चलिए जिस, तो फिरोजाबाद से भी हमें जो है निकाल दिया गया है। यात्री गण में जाने गाड़ी संख्या 12180 इंटरसिटी सुपरफास्ट लखनऊ को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर। अच्छा जी, तो दोस्तों आगरा फोर्ट से चलकर लखनऊ को जाने वाली इंटरसिटी आ रही है। अरे यहीं से हाथ बाहर निकाल दो ना यार, ले लो जल्दी करो, आ रही है, आ जाएगी वो।
रुक गई। तो दोस्तों एक और अनस्केड्यूल हॉल्ट लग गया हमारा जो कि है टुंडला जंक्शन पे। एक घंटे से और ज़्यादा लेट हो गया थोड़ा सा, 2-4 मिनट। तो अब ये तो नहीं मालूम कितनी देर के लिए यहाँ खड़ी करेंगे, बट खड़ी करेंगे हमें क्योंकि मुझे रेड सिग्नल सामने दिख रहा है। एंड छुप गया है क्या रेड सिग्नल? ओ ग्रीन हो गया। चढ़ जा भाई, चढ़ जा। तो दोस्तों टुंडला जंक्शन से हम लोग चल दिए फटाफट से, मतलब समझ लो 10 सेकंड रोक करके निकाल दिया होगा खाली यहाँ पे। एंड गाड़ी यार कोहरे वोहरे के कारण थोड़ा सा ना लेट हो गई है, कोहरा भी, और प्लस मैंने आपको बताया था आधा घंटा तो रात को प्रयागराज पे लेट थी, उसके बाद कहीं एक आध जगह पे और काफ़ी देर खड़ी रही, उस चक्कर में लेट हो गई। तो और टुंडला का स्केप तो वैसे भी आपको पता है थोड़ा धीरे धीरे ही होता है, तो देयर इज नथिंग एक्साइटमेंट अबाउट दिस स्केप। 12004 शताब्दी एक्सप्रेस 8:45 पे आएगी। अभी क्या टाइम हो रहा है? 8:01 हुए हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल हमको हाथरस स्टेशन पे जो है लूप कर दिया गया है, और ऐसा आज से पहले कई बार जब भी ट्रैवल करा है तो हाथरस पे हम लूप होते हैं। एंड हाथरस का अप और डाउन दोनों के दोनों स्टार्टर जो है ग्रीन पड़े हुए हैं, तो ज़रूर हमें कोई ना कोई ट्रेन जो है देखने को मिलेगी। अभी देखते हैं कौन सी ट्रेन हमें ओवरटेक करती है। वैसे सियालदह राजधानी जो है हमारे पीछे है, और जो अभी क्रॉसिंग हुई थी वो लखनऊ शताब्दी थी। अब देखते हैं उधर से मतलब टुवर्ड्स कानपुर क्या आता है और टुवर्ड्स दिल्ली क्या आता है। अरे सच्चाई है, राम खिलाड़ी विधायक उठाई हमारी पिंकी यादव बताएगी, अगर कोर्ट में चले गया हमने, लेकिन वो मंत्री है हमारी गुलाबो देवी, लेकिन अब हम भाई उसके को बनाएंगे, कोर्ट ने दिया और फिर अब मंत्री है विधायक है तो अब भाई उसके को बनाएंगे, सच्चाई तो ये है। दोस्तों वक्त हो चला है एक और ओवरटेक का, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता ये कौन सी है, मे बी शताब्दी हो सकती है। तो नीचे उतर जाते हैं वापस और इंतज़ार करते हैं उसके आने का। दोस्तों यहाँ हमें मिल रहे हैं बैक टू बैक ओवरटेक, और हमें अब एक और जो है ग्रीन यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि हमें एक और ओवरटेक मिलेगा, और अब मिलेगी हमें कानपुर शताब्दी, मतलब कानपुर नई दिल्ली शताब्दी। और अभी जो गई थी वो आई थिंक सो वो सियालदह दुरंतो थी, नाम नहीं पढ़ पाया मैं।
तो टाइम हो चला है एक और क्रॉसिंग का, ओवरटेक का। ये गई दोस्तों रांची राजधानी। अबे अब तो हमें चला दे। तो दोस्तों फाइनली हमें यहाँ से जो है निकाला जा रहा है, चढ़ जाते हैं अंदर सब लोग। आधी से ज़्यादा ट्रेन नीचे उतर गई थी, इतने लोग उतर गए थे नीचे कम से कम। आज पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि स्टेशन पे मैं जो है लगभग 40 मिनट जो है खड़ा रहा हूँ। ये दुकानें वकानें जो है सब बंद ही पड़ी हुई है। तो दोस्तों हाथरस वाला ओवरटेक क्रॉसिंग समारोह यहाँ पे समाप्त होता है और इसके बाद हम आपसे मिलते हैं या तो दाऊद खां वगैरह स्किप लेंगे सीधा अलीगढ़ वगैरह, या सीधा अलीगढ़ ही लेंगे, दाऊद खां भी छोड़ देंगे तो एज द केस में भी। अभी अंदर चलते हैं, थोड़ा फ़ोन वोन चार्ज करते हैं और दूसरे फ़ोन को चार्जिंग पे से हटाते हैं और बस थोड़ा आराम करते हैं। हम सोच रहे हैं जरा नीलांचल एक्सप्रेस भी आ रही है उसकी भी क्रॉसिंग ले लें। यार बीइंग अ रेल फैन ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं बहुत लालची हो जाता हूँ ट्रेन में चढ़ने के बाद। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है लालची, एज इफ कि क्रॉसिंग ओवरटेक के लिए बहुत लालची हो जाता हूँ। चलो 10 मिनट और थक रहे हैं, 10 मिनट और सही, कोई बात नहीं, ये क्रॉसिंग ले लो वो क्रॉसिंग ले लो। आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आओ इधर से आओ ना, कोई बात। या तो ये नॉर्थ ईस्ट थी। तो एंड होने का टाइम हो गया है, काफ़ी बढ़िया रन रहा। और अब देखो हम 1.5 घंटा लेट चल रहे हैं, बट जैसे ही हम गाजियाबाद पहुँचेंगे हमारा सारा लेट गायब हो जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 11:40 तक नई दिल्ली पहुँच जाएंगे, जो कि हमारा 10-15 मिनट का डिले के साथ होगा इफ़ कंडीशन अप्लाइड, गाजियाबाद कंट्रोलिंग में अपनी। तो दोस्तों गाज़ियाबाद से हम जो है निकल चले हैं और 1.5 घंटे या 2 घंटे का डिले यहाँ पर आकर के 5-10 मिनट का डिले में कन्वर्ट हो गया है। एंड सबसे एक अच्छी चीज़ की खुशी पता है क्या हो रही है आज मेरे को, हमसे पहले शिवगंगा एक्सप्रेस चलती है जो कि हमसे 2.5 घंटा पहले पहुँच जाती है। आज वो 2.5 घंटा लेट है और दोनों ट्रेनें आज ऑलमोस्ट अपने आस पास साथ साथ लगभग जो है वहाँ पहुँचेंगी।
तो बढ़िया है, ठीक है। उधर प्लेटफॉर्म आया था, अब निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको डिपार्चर दिखाते हैं, फिर अंदर चल के बैठते हैं। तो देखिए आखिर बातें करते करते सफ़र ख़त्म होने के ओर आ गया है, और फिलहाल हम तिलक ब्रिज पहुंचने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार सफ़र था, बाकी बातचीत आपसे नई दिल्ली पहुंच के भी करेंगे, डोंट वरी। दोस्तों नई दिल्ली स्टेशन हम लोग जो है पहुंच चुके हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आप देख सकते हैं अभी एक ट्रेन निकल रही है जो कि है सियालदा बीकानेर दुरंतो, जिसने हमें रास्ते में ओवरटेक मारा था, तो अपने बीकानेर के रास्ते के लिए जो है डिपार्चर ले लिए और हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली। तो दोस्तों फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लेना यार भाई के एफर्ट्स को, ठीक है। चलिए ऊपर चढ़ते हैं, निकलते हैं बाहर एंड फिर देखते हैं कैसा रहता है।